Hey guys, welcome back to my channel. तो दोस्तों आज हम एक और कोरियन सीरीज द टेल ऑफ नाइन टेल की कहानी की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि एक ड्रामा सीरीज होने के साथ साथ कोरियन माइथोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें हम नाइन टेल फॉक्स के बारे में जानने वाले हैं। सो, अगर बात करें नाइन टेल फॉक्स की, तो ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि कोरिया के साथ चाइना और जापान में काफी फेमस है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ इच्छाधारी नागिन पर बहुत ही ज्यादा सीरीज बन जाती हैं, वैसे ही नाइन टेल फॉक्स पर भी कोरिया एंड चाइना में बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज बनती हैं। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर होने की वजह से कुछ मिथ्स के अनुसार नाइन टेल फॉक्स बुरे और अच्छे दोनों हो सकते हैं। माना जाता है कि नाइन टेल फॉक्स की टेल उनके जन्म के हर 100 साल के बाद में आती रहती है, और जब वो 1000 साल की हो जाते हैं तो उनकी पावर एक गॉड की तरह ही हो जाती है, जिससे कि वो धरती से स्वर्ग तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों फटाक से सीरीज की स्टार्टिंग करते हैं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। और शुरू में हमें बताया जाता है कि जब एक नाइन टेल फॉक्स 100 साल का हो जाता है तो वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, और 1000 ईयर होने पर उसकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो 1000 किलोमीटर दूर की चीजों को भी देख सकता है। फिर आगे हम एक फैमिली को कार में देखते हैं, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जिया थी, और आज जिया का बर्थडे था और उसे इसकी मॉम की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है जिसमें एक खिलौना था। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। होश में आने के बाद जिया अपने गिफ्ट को कार में टूटा हुआ पाती है, और वहीं उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी भी कार में ही लटक रही थी। लेकिन कार के बाहर जिया को 2 लोगों की आहट महसूस होती है। जिया उनसे हेल्प मांगती है। जब वो दोनों कार के अंदर झांकती हैं तो जिया जोर से चीखती है, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि उसके मॉम डैड की तरह ही लग रहे थे। फिर जिया अपने सपने से जागती है। जी हाँ दोस्तों, शायद वो सपना देख रही थी। तो उसे उसके सामने अपने मॉम डैड दिखाई देते हैं। वो उनसे जाके गले मिलती है, बहुत ज्यादा खुश वो होती है। लेकिन ये क्या, उसका खिलौना तो अभी भी वैसे ही टूटा हुआ था जैसे कि उसके सपने की एक्सीडेंट में टूटा था। और वहीं उसे उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं। वो बहुत ही चालाकी के साथ अपनी मॉम से वॉलनट कुकीज मांगती है, क्योंकि वॉलनट से उसे एलर्जी थी। लेकिन उसकी मॉम फिर भी किचन में जाके वॉलनट कुकीज ढूंढने लग जाती हैं। जिया यहाँ पे समझ जाती है कि ये दोनों उसके पेरेंट्स नहीं हैं, और वो अपनी मॉम को यानी कि अपनी बहरूपिया मॉम को एक कैची से स्टैप कर देती है, जहाँ वो बहरूपिया मॉम भी उस पर उल्टा हमला करती है। लेकिन वो भाग कर अपने रूम में जाकर छुप जाती है। यहाँ पर लियोन नाम के एक लाल छाते वाले आदमी की एंट्री होती है, जो कि उन दोनों को मारने लग जाता है। लियोन यहाँ एक लड़की यानी कि यम को ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसे यम नहीं मिलती है तो वह जिया पर मैजिक करके उसे सब कुछ भूलने के लिए बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और 21 साल बाद दिखाया जाता है। मौसम साफ होने के बावजूद भी बारिश हो रही थी, क्योंकि आज लोमड़ियों की शादी जो होने वाली थी। दोस्तों जब भी मौसम साफ होता है यानी वेदर अच्छा होता है, उसके बाद भी बारिश हो रही होती है, तो इसका मतलब होता है कि लोमड़ियों की शादी हो रही है। ये भी शायद एक मिथ हो सकता है। सो कम बैक टू द सीरीज, इसी फॉक्स मैरिज में लियोन भी जा रहा था। शादी में पहुंचने के बाद वो दुल्हन से मिलता है जो कि फॉक्स थी, और यहाँ योन उसे मारने ही वाला था क्योंकि इस लेडी फॉक्स ने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली थी। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो जाती है। वो लेडी फॉक्स अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर अपनी शादी को कम्प्लीट करना चाहती थी, जहाँ योंग उस लेडी फॉक्स को उसकी शादी के बाद मारने का फैसला करता है। फिर आगे हम जिया को देखते हैं, जो बड़े होने के बाद एक ब्रॉडकास्ट कंपनी की प्रोड्यूसर बन गई थी, और वो अपने को वर्कर जिसका नाम पियो है उसके साथ में फॉक्स की शादी में आ रही थी, जिसे ली योंग मारने वाला था। शादी खत्म होते ही योंग उस फॉक्स को मार डालता है, पर मरने से पहले लेडी फॉक्स ने ली योंग से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके पति की सारी यादें मिटा दे, ताकि वो उस लेडी फॉक्स को याद करके बिल्कुल भी दुखी ना हो और अपनी लाइफ को आगे एंजॉय कर सके। लेडी फॉक्स मरते ही सुनहरे रंग की धूल में बदल कर गायब हो जाती है, जहाँ सबको लग रहा था कि शायद दुल्हन अपनी ड्रेस को छोड़कर ही वहाँ से भाग गई है। लेकिन जिया को दुल्हन की ड्रेस पे खून के दाग और कुछ बाल मिल जाते हैं, जहाँ पर उसे डाउट हो जाता है। फिर पे को जिया सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए भेजती है और खुद फोरेंसिक लैब में आती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि जो बाल उसे गाउन पर मिला था वो फॉक्स का है। लेकिन सोल में तो फॉक्स आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ के सभी जानवरों पर ट्रैकर जो लगे हुए थे। वही पार्क में योन अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक छोटी बच्ची का बलून वापस उसे कर देता है, और ये सब कुछ देखकर एक दूसरा बच्चा उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो एक एलियन है, जहाँ योन बताता है कि वो एक नाइन टेल फॉक्स है और उसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। यहाँ इस अर्थ पर वो अपने प्यार के दोबारा जन्म लेने का इंतजार कर रहा है। बच्चे से दिल की बात करने के बाद योन फॉक्स के आफ्टर लाइफ ऑफिस में पहुंचता है, जहां वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि उसने सिस्टर फॉक्स को उसकी शादी पर मार डाला है। योन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जहां वो इसके लिए रिसेप्शनिस्ट पे बहुत ही भड़क भी रहा था।
क्योंकि इसे लोगों की चाल लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर ली को दिखाते हुए उसे प्यार से धमकाते हुए बोलती है कि तुमने अपने प्यार यानी युम की पुनर्जन्म के लिए ही क्रिमिनल्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो अब तुम इसे पीछे नहीं हट सकते। जहाँ वो उसके कॉन्ट्रैक्ट को जलाने ही वाली थी, लेकिन यौन ड्रामेटिक वे में आग बुझाने की कोशिश करता है, जो कि काफी ज्यादा फनी सीन था। वहीं फॉरेंसिक वाले ने यौन को कॉल करके अपने पास बुलाया हुआ था। वहीं जिया पे के साथ में सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसमें उसी एक लाल छाती वाले आदमी पर शक हो जाता है कि उसी ने दुल्हन को शायद गायब किया होगा। यौन और फॉरेंसिक वाला बंदा फॉक्स के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, क्योंकि फॉरेंसिक वाला बंदा भी फॉक्स ही था। जहाँ वो ली यौन को सावधान रहने के लिए सलाह देता है, क्योंकि लाल छाते वाले आदमी की फोटो और फुटेज पूरे टीवी पर वायरल हो गई है। यौन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास तो बहुत ही ज्यादा पावर थी। वहीं जिया एक बंदे से मिलती है, जो जिया को बताता है कि छाते वाला आदमी उसे बस स्टॉप पर मिलेगा। जिया को उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो बंदा खुद को काफी गरीब स्टूडेंट बता रहा था। लेकिन जिया उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसने 4 लाख के जूते पहने हुए थे, यानी कि वो गरीब नहीं था। लेकिन वो बंदा उसे श्योर करता है कि बस स्टॉप पर उसे वो लाल छाते वाला बंदा मिल ही जाएगा, फिर वो वहां से चला जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि इस बंदे ने अचानक से अपना रूप बदल लिया है, मतलब कि वो भी एक फॉक्स ही है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यौन का भाई रैंग है। क्योंकि उनके बीच के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है, और फिर भी रैंग अपने भाई ली योंग को मिलने के लिए बुलाता है। रात में जिया बस स्टॉप पर बस का वेट ही कर रही होती है कि तभी एक शराबी बूढ़ा जिया को उस बस पे चढ़ने से रोक देता है। यौंग उसके सामने से निकलकर बस में जाकर बैठ जाता है, और जिया उस बूढ़े आदमी को अपने कंधे पे टांग कर उसे घर तक छोड़ने के लिए जाती है। लेकिन सामने से आ रही टैक्सी को रुकवाते ही वो बूढ़ा आदमी अचानक से गायब हो जाता है, जिसके बाद वो टैक्सी से उस बस का पीछा करने के लिए बोलती है। रास्ते में वो देखती है कि बस का बुरा एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें बैठे सभी लोग मारे गए हैं, लेकिन एक सू योंग नाम की लड़की बच गई है। तो वो पुलिस को बुलाने के बाद उस लड़की को हॉस्पिटलाइज करके उस लाल छतरी वाले आदमी के बारे में उसे पूछती है, उसकी फोटो दिखाकर। जहाँ जिया को ये पता चलता है कि योंग उस लड़की को मारना चाहता था, और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि योंग को हॉस्पिटल में जिया पकड़ लेती है। वो उसे इसके बारे में पूछताछ करके उसका फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करती है, लेकिन योंग तो बहुत ही चालाक था, वो उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता और ना ही उसे फिंगरप्रिंट लेने देता है। लेकिन जिया अपनी ही चालाकी दिखाती है, अपना बैग उसकी तरफ फेंकती है, जिसे वो पकड़ लेता है, और इस तरह से जिया को योंग के फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ एक बात और साफ हो जाती है, क्योंकि योंग को याद था कि जिया की जान उसने बचपन में बचाई थी। फिर उस लड़की को जिया अपने घर में ले जाती है, क्योंकि उसे वहाँ पर हॉस्पिटल में डर लग रहा था। नेक्स्ट डे योंग उस लड़की से मिलने आता है, तो नर्स उसे एक लेटर देती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर जिया उस लड़की को अपने बस वाले एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करती है। जहाँ वो कहती है कि उस लाल छाते वाले ने सबको मार दिया था, और वो उसे भी मारना चाहता था, लेकिन गाइस सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि वो लड़की भी एक फॉक्स ही थी, और उसने सभी पैसेंजर्स को मारा था। यौन तो बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए वो बस में गया था। यौन घायल होने के कारण उस लड़की को उस टाइम पर नहीं रोक पाया था, कि तभी एक ग्लास टेबल से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, जिसके टुकड़ों को उठाकर जिया सीधा उस लड़की की गर्दन पर रखकर उसकी सच्चाई बताने के लिए बोलती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो लड़की झूठ बोल रही है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि बस में सारे लोग मर गए और उस लड़की को एक खरोच भी नहीं आई। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की रैंग में बदल जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि योंग का भाई था। वो कहता है कि उसने उस लड़की को खा लिया है, और अब वो जिया को भी खाने ही वाला था। ये तभी वहाँ पर योंग आ जाता है, और क्योंकि उसे जिया का लेटर मिल गया था, जिसमें उसके घर का एड्रेस था। फिर दोनों भाई यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं, जिसमें रैंग हार जाता है, और वो अपने भाई को 1 महीने के अंदर योंग को ढूंढने के लिए बोलता है, नहीं तो वो जिया को मार देगा। जाने से पहले योंग जिया पर मैजिक करके उसे सब कुछ भुला देता है, लेकिन जिया उसने तो अपने घर में कैमरा फिट करवा रखा था, जिसको देखकर उसे सब याद आ जाता है। स्वैग और दिमाग देख रहे हो इस लड़की का। सुबह उसे डिटेक्टिव कॉल करके योंग का एड्रेस दे देता है, जो कि उन्हें योंग के फिंगरप्रिंट से मिला था। रात में योंग को अपने घर में जिया के साथ उसकी और उसके भाई की लड़ाई वाली फुटेज भी मिल जाती है। योंग जिया को अपनी असलियत नहीं बताता है, लेकिन जिया बालकनी से जाकर सचमुच नीचे कूद जाती है, जिसे देखकर योन उसे बचा लेता है, और नीचे आते ही जिया योन को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देती है। मतलब सोचो कि लड़की ने अपनी जान की बाजी लगा दी सिर्फ सच जानने के लिए। ओह यार, यार ये कितनी ऑसम है यार। यार इतने सारे टर्न एंड ट्विस्ट तो मैंने आज तक किसी भी लव ड्रामा सीरीज में देखे ही नहीं है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां हम योंग को एक आइलैंड पर देखते हैं, और अभी वो एक तरह का भगवान है, जो कि बारिश के साथ साथ हवा को भी कंट्रोल कर सकता था। यही इसी आइलैंड पर वो पहली बार छोटी युम से मिला था,
जब युम बड़ी हुई तो उनमें गहरा प्यार हो गया था, पर अचानक एक दिन युम की मृत्यु हो गई थी। और लेकिन जब युम की आत्मा नाव पर बैठकर स्वर्ग जा रही थी तो ली योंग ने उस नाव को रोक लिया था, लेकिन वो जानता था कि उसे युम को जाने देना होगा, वो उसे नहीं रोक सकता है। सो इसलिए उसने युम के मुंह में एक जादुई बीज डाला था और उसे दोबारा से जन्म लेने के लिए बोला था। वक्त के बीतने के साथ योन युम को ढूंढता रहा, लेकिन उसे अभी तक युम नहीं मिली है और सालों बीत गए हैं, यानी कि वो अपने प्यार का दोबारा से धरती पर जन्म लेने का इंतजार ही कर रहा है। योन को होश जिया के घर पर आता है तो जिया ली योन को धमका कर उसको उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी जान गई थी कि 21 साल पहले जब उसके पेरेंट्स गायब हुए थे तो योन भी वहीं पर था। जिया के धमकाने की वजह से योन जिया को एक आग से अंधा कर देता है, जहाँ जिया उसे माफी मांगती है, उसे समझाती है कि अगर वो उसके पेरेंट्स को ढूंढ देगा तो वो ये सारी बातें अपने दिमाग से भुला देगी और इन सब चक्करों में नहीं पड़ेगी। जहाँ योन उसकी मदद के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसी रात योन को उसके पेरेंट्स का एक डरावना सपना आ जाता है जिसमें उसकी माँ उसे एक इंसान की खोपड़ी देती है। वहीं आफ्टर लाइफ के ऑफिस में ली योन को रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि युम का पुनर्जन्म लड़के के रूप में भी हो सकता है, लेकिन गाइस युम को तो यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब ही नहीं था, उसे बस ये डर था कि युम अपने बुढ़ापे में उसे ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो युम जल्दी ही मर जाएगी और युम के साथ ज्यादा समय वो नहीं बिता पाएगी। फिर जिया के साथ उसके कोवर्कर प्यो को भी डरावने सपने आ रहे थे, और वहीं योन जिया को बताता है कि जिया के पेरेंट्स जिंदा हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स का नाम मरने वाले इंसानों के लिस्ट में नहीं है। वहीं प्यो की माँ मर जाती है और उसका डरावना सपना सच हो जाता है। जिया ली योन को उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए मना लेती है, लेकिन वो ऑफिस में अपना सामान लेने के लिए जाती है तो उसका सामना एक अर्बन लेजेंड बुल्गासारी से हो जाता है, जहाँ योन एक बार फिर से उसकी जान बचा लेता है। दोस्तों अगर बात करें बुल्गासारी की तो ये लोग बुरे सपने दिखाकर उन्हें मारता है, मतलब यही सभी को बुरे सपने दिखा रहा था, जिसे यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि ली रैंग ने यानी कि योन के भाई ने ही भेजा था। जहाँ बुल्गासारी जिया को बंदी बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन योन बुल्गासारी को 3 सिक्कों की मदद से शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन में कुछ समुद्री मछुआरों को उनके बॉस मिस्टर सियो की खोपड़ी मिलती है। जिया को इस इंसिडेंट की जानकारी डिटेक्टिव देता है। ली रैंग का भी इनमें कहीं न कहीं हाथ है, क्योंकि हम यहाँ पर मिस्टर सियो की बेटी के साथ में उसे देखते हैं। ली योंग ने बुल्गासारी को अपने फ्रिज में बंद करके रखा हुआ था, सो इसलिए वो उसे उसके भाई यानी कि रैंग का पता बता ही देता है कि वो कहाँ पर छुपा है। दोनों भाई मिलते हैं और हमें पता चलता है कि ली रैंग योंग से नफरत क्यों करता है। वो उसे नफरत इसलिए करता है दोस्तों, क्योंकि योंग ने अपने प्यार यानी युम के लिए अपनी पोजीशन छोड़ दी थी, जिससे कि ली रैंग की जिंदगी भी खराब हो गई थी और इस वजह से रैंग योंग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग योंग जिया के साथ में आइलैंड पर आता है। ये वही आइलैंड है गाइस जहाँ पर पहली बार योंग अपने प्यार यानी युम से मिला था। जिया मिस्टर सियो की बेटी का इंटरव्यू लेती है और जब वो गांव के लोगों से बात करने की कोशिश करती है तो सब डरकर भागने लग जाते हैं। दोनों को जंगल में गार्डियन ट्री की आत्मा मिलती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कोरियन वॉर के बाद एक आंधी आई थी जो अपने साथ गांव की सारी आत्माओं को अपने साथ में ले गई, तो उसे कुछ भी पता नहीं है कि गांव में क्या चल रहा है। जहाँ जिया एक पेड़ से बंधी रस्सी को काट कर उस बच्चे की आत्मा को आजाद कर देती है, वहीं जिया को पता चलता है कि आइलैंड पर उसके पेरेंट्स भी आ चुके हैं। रात में योंग जिया पर वापस से मैजिक करके चेक करता है कि कहीं वही तो युम नहीं है, क्योंकि जिया की स्माइल से युम की याद दिला रही थी। सुबह में योंग गांव के कपल को एक पेड़ गिफ्ट करके उनसे जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डाउट था कि इस आइलैंड पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि अक्सर यहाँ इंसानों की खोपड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ इसकी कंफर्मेशन जिया को पियो से मिलती है, और यानी कि उन कपल्स की बातें सच थी। जंगल में एक शख्स ने जिया पर हमला करके उसे घायल कर दिया था, तो योन उस आदमी को मार पीट कर भगा देता है। वहीं रैंग भी आइलैंड पर पहुंच गया था, और इधर जब योन जिया की जख्म पर जड़ी बूटी लगा रहा था तो उसे जिया की बॉडी में कुछ अजीब सा दिखता है। योन को समझ पाता उससे पहले ही जिया योन का गला पकड़ के उसे बताती है कि वही युम है। जिया ने जब योन को बताया कि वही युम है, फिर उसके बाद हमें 12 घंटे पीछे हुए घटनाओं को दिखाया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले एक आदमी को कमोड का पानी पीकर मरते हुए देखते हैं। दोस्तों यहाँ इस आदमी ने खुद को इस तरह से इसलिए मारा था क्योंकि उस पर किसी ने वुडो डॉल की हेल्प से काला जादू कर दिया था, और वो वुडो डॉल ली रैंग को मिल गई थी। जिया भी फिर इन्वेस्टिगेशन में मरे हुए आदमी के घर आती है, जहां एक लोकल गांव वाले से उसे ये पता चलता है कि वो आदमी भी मिस्टर सियो के क्रू का एक हिस्सा ही था। वहीं चारों लोगों के साथ में वो भी समुन्दर में फंसा हुआ था, लेकिन सिर्फ मिस्टर सियो को ही छोड़कर बाकी सब बच गए थे। वहीं योन को उस आदमी के हाथ में कुछ बाल मिलते हैं, जिसमें से उसे मिस्टर सियो के घर की स्मेल आ रही थी, क्योंकि उस आदमी को मिस्टर सियो की बेटी यानी कि प्योंगी ने ही मारा था, जो कि अब मिस्टर सियो के बाकी साथियों पर काला जादू कर रही थी।
फिर वहीं जिया को भी पता चल जाता है कि मिस्टर सियो के बचे हुए दो साथी मरने ही वाले हैं और वो योन के साथ में वहां पर उन दोनों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। फिर वहीं हम मिस्टर सियो के तीसरे साथी को देखते हैं जिसे बिना सर का आदमी हॉन्ट करता है। फिर वहीं उसके घर में हम एक ड्रैगन पेंटिंग को भी देख पाते हैं गाइज। यहाँ जिया और योंग भी मिस्टर सियो के चौथे साथी के घर पे पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ उस आदमी की हालत दिमागी रूप से ठीक नहीं थी और उसके घर में भी ड्रैगन की वही पेंटिंग रखी हुई थी। जहाँ जिया बहुत ही चालाकी से उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है, जिससे हमें कैसे पता चलता है कि वो जब 28 दिनों तक समुद्र में बिना खाना और पानी के फंसे हुए थे, वहाँ उन्होंने मिस्टर सियो को ही मारकर खा लिया था कि तभी वो आदमी तड़प कर मर जाता है और जिया को उसके हाथ में भी एक बालों का गुच्छा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ प्योंग ही को काला जादू ली रैंग सिखा रहा था, जिनकी वजह से आफ्टर लाइफ ऑफिस में टूलिपा भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो उन लोगों को मार रहे थे जो कि मरने वालों की लिस्ट में थे ही नहीं। फिर जिया और योन भी तीसरे बंदे के घर आए हुए थे और हम गाइस देख पाते हैं कि योन को आसपास हुए मौतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारी मौतें जो देखी थी जिसमें उसका लव यानी कि युम भी शामिल थी। फिर वही योन ये बताता है कि जो पेंटिंग हम देख रहे हैं वो ड्रैगन की नहीं है, वो एक खतरनाक सांप की है जिसे कि लोग आमतौर पर यमोगी बुलाते हैं। वहीं ली रैंग जंगल में एक विद से मिलता है जिसके साथ मिलकर वो एक कुएं में कैद यमोगी को जिंदा करना चाहता था। देन गेस व्हाट, वहां उस यमोगी को कुएं में ली योंग ने ही कैद किया था जब वो इस आइलैंड का मास्टर हुआ करता था। लेकिन विच के अनुसार यमोगी को आजाद करने के लिए उन्हें किसी खास इंसान की बलि देनी होगी, मतलब कि जिया फिर से मुसीबत में पड़ने वाली थी। लेकिन यहाँ इस बात का अंदेशा योन को हो ही जाता है और वह जिया को आइलैंड से निकलने के लिए बोलता है, पर जिया मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रैंग से हमें ये पता चलता है कि ली योंग उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन बहुत पहले योंग ने ली रैंग के पेट को फाड़कर उसे लगभग मार ही डाला था, बट समहाउ ली रैंग बच गया था और तब से वो ली योंग को मारना चाहता था। ली योंग ने रैंग के साथ में ऐसा क्यों किया था गाइस, ये हमें आगे वीडियो में पता बस चल ही जाएगा। फिर वहीं दूसरी तरफ हम योंग और टलुपा की बातों से समझ पाते हैं कि यमोगी को योंग ने युम के चक्कर में ही मारा था। वहीं जिया ली रैंग से मिलती है जो कि अभी प्योंगी के रूप में बैठा हुआ था, लेकिन उसके भ्रम को जिया हर बार पकड़ ही लेती है। जिया समझ आती है कि ली रैंग ने ही मिस्टर सियो के साथियों को ही मारा है। योंग ने शॉपकीपर से उस यमोगी के पेंटिंग का राज उगलवा ही लिया था और जान गया था कि विच ने ही सभी के घर में ये पेंटिंग दी है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि उसका भाई यानी कि ली रैंग प्योवी के घर गया हुआ है। फिर वो भागकर उसके घर जाता है, लेकिन तब तक रैंग वहाँ से जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के कैंटीन में चलूपा और शिंजू फॉरेन से आई हुई नई फॉक्स की यूरी पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि वो भी ली रैंग की साथी हुआ करती थी। यहाँ जिया को युम के बारे में पता चल जाता है कि युम का दिल युम के प्यार में जल रहा है, साथ ही वो सदियों से अपने प्यार के पुनर्जन्म का इंतजार जो कर रहा है। वही यूरी ने एक किस और बंदूक के दम पर शिंजू से उसकी जादुई लोकेशन छीन ली थी। शिंजू अपनी मदद के लिए योन को कॉल करता है, लेकिन फिर योन उसे यूरी से लड़ने के लिए बोलता है। वही योन एक टूटे हुए पेड़ की टहनी को अपने मैजिक से ठीक करके आगे बढ़ रहा होता है। विच ने भी अपना रिचुअल चालू कर दिया था और इधर जिया को J1 से ये पता चलता है कि इन सब मौतों की तरह पहले भी 4 बार ऐसा हादसा हो गया है जिसमें मरने वाले लोगों में सिर्फ औरतें ही शामिल थी। जहाँ इन हादसों की डेट्स को जिया लूना कैलेंडर पर सर्च करती है तो उसे ये पता चलता है कि सारे हादसे साल के एक ही दिन यानी कि 15 जुलाई को ही होते हैं, जो कि गाइस आज है। वहीं फिर जिया के पास तीसरा सर्वाइवल आता है जिसे हमने पिछले वीडियो के लास्ट में देखा था, जो कि जिया को घायल करके वहाँ से भाग गया था। योन यहाँ पे पूरी तरह से शॉक्ड था क्योंकि जिया ने उसे अभी अभी ही बताया था कि वही युम है, लेकिन तभी जिया नॉर्मल हो जाती है और योन समझ जाता है कि ली रैंग उसकी मजे ले रहा है, क्योंकि ली रैंग उनके पास में ही खड़ा हुआ था। फिर क्या था, दोनों भाइयों में लड़ाई होती है और जिया वहाँ से भागते हुए एक झोपड़ी में आती है तो उसे वहाँ पर विच मिल जाती है। विच की बातों से जिया को उस पर शक हो जाता है और वह विच के द्वारा दी गई चाय नहीं पीती है, लेकिन स्टिल जिया बेहोश हो जाती है क्योंकि विच की अगरबत्ती में बेहोश करने वाला केमिकल जो मिला हुआ था। साला सबके सब स्मार्ट है यहाँ पे। यहाँ ली रैंग योन को बता देता है कि ब्रो जिया की जान जाने ही वाली है, अगर बचा सकते हो तो उसे बचा लो। योन रात होने का इंतजार करता है और जंगल को उसे जिया तक ले जाने का आदेश देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता कि तभी जिस पेड़ को योन ने ठीक किया था वो पेड़ कुछ भवर को योन के पास भेजता है, जिसका पीछा करके योन जिया और विच के पास में आखिरकार पहुंच ही जाता है।
लेकिन स्टिल वो जिया तक नहीं पहुंच पाया था क्योंकि विच ने अपने जादू से चारों ओर घेरा बनाकर जो रखा हुआ था। यौन अपनी पावर का यूज करके वहां बारिश करवा देता है, लेकिन वहां विच के ऊपर बिजली गिराकर वो उसे मार देता है। जिया उस कुएं में गिरने ही वाली थी, लेकिन यौन उसे बचाकर अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। पर गाइस हम देख पाते हैं कि जिया का खून उस कुएं में बारिश के पानी के साथ अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ यौन शिनजुक को बता देता है कि उसे ऐसा लगता है कि जिया ही युम का पुनर्जन्म है। रात में शराब पीते हुए जिया यौन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलकर उसे वादा करती है कि मौका मिलने पर वो उसकी जान जरूर बचाएगी। यहाँ पर जिया की बातें सुनकर यौन को युम की याद आने लग जाती है। वहीं आधी रात को हम पूरे गांव के लोगों को कुएं के पास देखते हैं, जहां पर हमें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, मतलब कि यह मोगी का दोबारा जन्म हो चुका था। फिर क्या उस बच्चे को ली रैंग किसी को दे देता है। वहीं मॉर्निंग में जिया और योंग को पूरा गांव खाली मिलता है, लेकिन उन गांव वालों के घर के सामान वैसे के वैसे ही रखे थे, मतलब कि वो लोग कहीं गए नहीं थे बल्कि गायब कर दिए गए थे। दोनों लोग समझ जाते हैं कि इस गांव में कुछ तो सुपरनेचुरल चीजें हो रही हैं, जहां जिया अपने डिटेक्टिव दोस्त को कॉल करके सारी सिचुएशन को समझा देती है। दोनों को एक गेट मिलता है जिसे विच ने बम्बू के ऊपर सफेद कपड़ा बांधकर बनाया था। यौन के अनुसार ये बम्बू से बना हुआ गेट बुरी आत्माओं को बुलाने के लिए ही बनाया जाता है। वहीं फिर आफ्टर लाइफ ऑफिस में टलुपा और उसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि ये मुगी जिंदा हो गया है, लेकिन वो उसके बारे में यौन को नहीं बताते हैं क्योंकि टलुपा को यौन का फ्यूचर नहीं दिख रहा था। रात में जन्मे उस बच्चे के बारे में यौन और जिया को पता चल जाता है क्योंकि 2:40 पर युंगी ने छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। वहीं 1 से लेकर 3 तक के समय को आर ऑफ काउ कहा जाता है, जिसका साफ मतलब यह है दोस्तों कि इस समय ही दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है और वो बच्चा भी दूसरी दुनिया से ही आया होगा। ये सारी बातें योंग जिया को समझा देता है। वहीं टाउन में यूरी के पेरेंट्स को उस पर शक हो जाता है क्योंकि यूरी की मौत 1 पहले ही हो चुकी थी। वहीं हम देखते हैं कि योंग जिया के साथ में शहर वापस आ गया है। यूरी अपने पिता को मारने ही वाली थी कि ली रैंग आकर उसे रोक लेता है और उसके पिता पर मैजिक करके उन्हें ये यकीन दिला देता है कि यूरी उन्हीं की बेटी है। ली रैंग यूरी को शिनजू का जादुई नेकलेस संभाल कर रखने के लिए बोलता है और योंग के पास जाकर उसे हिंट देता है कि मुंगी जिंदा हो गया है। वहीं जिया भी डिटेक्टिव को अपनी रिसर्च दिखा देती है, जहां वो कहती है कि इससे पहले भी इसी तरह के कई आइलैंड के लोग रातों रात गायब हो चुके हैं। वही ली रैंग और योंग के बीच में लड़ाई वाला माहौल बन ही रहा था और पास में गाइस हम एक सीन में देखते हैं कि छोटे ली रैंग ने एक गांव के सभी लोगों को मार डाला था और उसे रोकने का काम योंग को मिलता है। रैंग पहले तो योंग के साथ में ही इस आइलैंड पे रहा करता था, लेकिन योंग के आफ्टर लाइफ ऑफिस ज्वाइन करने के बाद से वो आइलैंड पूरी तरह से जल गया था, जिसकी वजह से रैंग अनाथों की तरह रहने लग गया था। लेकिन उसकी गलतियों को देखकर योंग बिना कुछ सोचे ही रैंग को तलवार से काट देता है। सुनो बैक टू द प्रेजेंट, ली रैंग को लग रहा था कि योन ने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ा है, सो इसलिए वो उसे दोबारा चाकू से मारने के लिए बोलता है, लेकिन योंग उसे कुछ भी नहीं करता है, जहां ली रैंग उसे धक्का देता है। साथ ही वो कहता है कि जब जिया इसके सामने मरेगी तो जो इसका चेहरा होगा वो देखने लायक होगा, जिसे देखकर मुझे बहुत शांति मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ ऑफिस में टलुपा ली योंग को उसकी सजा देने ही वाली थी क्योंकि उसने एक इंसान को जिंदा बिजली की आग में भूनकर मार डाला था। लेकिन तभी जिया यून को कॉल करके डिनर पर बुला लेती है, जहां वो टलुपा से खाने की इजाजत मांगकर जिया के घर आ जाता है। खाने के वक्त जिया यून के बालों को सहलाती है क्योंकि जानवर को सहलवाना काफी पसंद होता है, सो अब लॉजिकली तो वो एक जानवर ही है ना। ये सब को सुनकर यून को यून की याद आने लग जाती है क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में वो यून से पहले बार मिला था। जिया की सारी हरकतें यून को यून की याद दिला रही होती है। वहीं फिर ली रैंग ली योंग से मिलता है। दोस्तों ये वही बंदा है जिसे रैंग ने वो आइलैंड पे जन्मा हुआ बच्चा सौंपा था, साथ ही इसने ली रैंग की जान भी बचाई थी जब ली रैंग को मारकर योन चला गया था। फिर डिनर के बाद योन जिया को एक पोटली देकर उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और साथ में ही उसे फ्यूनरल हॉल में ना जाने के लिए बोलता है क्योंकि वहां पर बुरी आत्माएं उसके पीछे पड़ सकती थी। जिया फ्यूनरल हॉल में इसलिए जा रही थी क्योंकि उसकी दोस्त की मॉम पिछले एपिसोड में मर गई थी, लेकिन स्टिल योन की बात ना मानकर जिया फ्यूनरल हॉल में चली जाती है। बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर कि जिस चीज के लिए आपको मना किया जाता है हमारा दिल वही चीज करना चाहता है, सो इसलिए जिया भी कुछ ऐसा ही करती है। उसके मना करने के बाद भी वो वहाँ पे जाती है। वहीं दूसरी तरफ योन आफ्टर लाइफ ऑफिस में आता है तो टलुपा उसे जज का फैसला सुनाती है, जिसमें योन को नरक के पहले द्वार में 7 के लिए सजा मिलेगी।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नरक में एक दिन 7 साल के बराबर होता है। यहाँ इस दौरान ये उनके पास कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं रहेंगी, वो सिर्फ आम आदमियों की तरह ही सजा काटेगा। ये सुनकर तो यौन की हालत खराब भी हो गई थी, लेकिन तभी नरक का पहला द्वार उसके सामने खुल जाता है। वहीं यूरी भी अपने अरमानों को पूरा करने के लिए शिंजू के पास आई थी, लेकिन यूरी के घाव के निशानों को देखकर शिंजू उदास हो जाता है और यूरी वहां से गुस्से में चली जाती है। वहीं फ्यूनरल हॉल में ली रैंग जिया से मिलकर उसे अपनी स्टोरी बता देता है कि योंग के जाने के बाद आइलैंड के लोगों ने माउंटेन पर आग लगा दी थी। रैंग की बातों से जिया ये भी समझ जाती है कि योंग नरक में सजा काटने के लिए गया है और वो सजा उसकी वजह से ही योंग को मिली है। जाने से पहले ली रैंग ने जिया की पोटली को काट दिया था जिसे योंग ने उसे दिया था। फ्यूनरल हॉल की फुटेज में सिक्योरिटी वाले देखते हैं कि जिया के पास बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन असल में वो सारे बच्चे आत्माएं थी। दो जुड़वा बच्चों की आत्मा जिया के पीछे लग जाती है। यहाँ यौन नरक की आग में तो नहीं, लेकिन बर्फ में अपनी सजा काट रहा था जिसमें वो कुछ ना खा सकता था, ना पी सकता था और ना ही सो सकता था, और ठंड की मारे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिया जी वांग के साथ में घर जा रही थी और उसे महसूस होता है कि यौन की पोटली के सारे बीज गिर गए हैं, जहां तभी वो जुड़वा बच्चियां अचानक से वहां आकर जिया को बेहोश कर देती हैं। साथ ही यहाँ नरक में यौन को भी पता चल जाता है कि जो पोटली उसने जिया को दी थी वो खाली हो चुकी है, सो इसलिए वो नरक के गेटकीपर को बुलाकर अंडरवर्ल्ड ऑफ नाइफ में जाने के लिए बात करता है, जहां उस पर चाकू से हमला होगा जिसमें वो मर भी सकता है, लेकिन उसने सब कुछ अगर सह लिया था उसकी तो यहां पर उसकी सजा कम कर दी जाएगी। वहीं जिया को होश आता है उसके घर में, जहां उसे अपने सामने जी ऑन मिलता है और वो उसे एक बुक पढ़कर बता रहा था कि जिस फ्यूनरल हॉल में वो गए थे वहां पहले बच्चे का ग्रेवयार्ड हुआ करता था। जिया देखती है कि जी ऑन बुक उल्टा करके पढ़ रहा था कि तभी वो वहां से अचानक से गायब हो जाता है और दोनों बच्चों की आत्माएं वापस से जिया को हॉन्ट करने लग जाती हैं। वहां उनसे बचने के लिए जिया फ्यूनरल हॉल में पोटली में गिरे हुए सारे बीजों को लेने लग जाती है, जहां उसे बहुत सारे बच्चों की आत्माएं मिलती हैं जो कि उसे उसकी बॉडी मांग रहे थे। वहीं नरक में यौन को एक पुल पार करना था, लेकिन चाकू की वार से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन वो अपने मन में अपने प्यार यानी यौन को याद करके और जिया को याद करके वो जैसे तैसे करके पुल आखिरकार पार कर ही लेता है। जिया जब फ्यूनरल होम की छत से नीचे गिरती है तो यौन उसे वहां पर आके बचा लेता है। यौन को घायल देखकर जिया बहुत रोने लग जाती है और साथ ही हम यौन के चारों ओर एक लाइट के घेरे को देख पाते हैं, यानी कि गाइस इसका साफ मतलब है कि जिया ही यौन है। वहीं फिर यौन जिया की बाहों में ही बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था और उसकी शक्तियां भी कमजोर हो गई थी। सो आगे की कहानी में क्या होने वाला है, कौन से टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।